जैसे यहाँ पे कोई मोबाइल तो नहीं यूज कर रहा इसको कंट्रोल करने के लिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, नहीं कर रहे? अब तो टाइम और ज्यादा शॉर्ट हो गया, तो काफी प्रिसाइज है, मुझे बात करनी पड़ेगी। अच्छा, गेम डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन और गेम डेवलपमेंट होती क्या, मैंने आपको पहले थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। और गेम इंजन के बारे में भी मैं बात कर रहा था कि गेम इंजन क्या हमारा मतलब गेम डेवलपमेंट के प्रोसेस सारे साइकिल को किस तरह से आसान कर दे, ठीक है। वो मैंने आपको गेम क्या नाम है इंजन से बात जो स्टार्ट हुई, तो मैंने आपको तीन डिफरेंट इंजन बताए, अनरियल, कोको 3DX और यूनिटी 3D, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूँ उधर। अनरियल जो है एक काफ़ी हाईली प्रोफेशनल गेम इंजन है, ठीक है। इसके अंदर आप हाईली क्या नाम है हाई क्वालिटी गेम्स इसके अंदर हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको यूज क्यों नहीं करते इंडस्ट्री में, इसलिए नहीं करते, वही बात जो मैंने स्टार्ट में बोली थी कि डेवलपर सपोर्ट जो होती है ना वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने हर नए आइडिया पे काम करना आता है, आप कहीं पे भी किसी भी वक्त फंस सकते हैं, तो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। और जब आप सपोर्ट की क्या नाम है जरूरत महसूस करते हैं, तो उसी चीज़ की सपोर्ट होती है जो इंडस्ट्री में ज्यादा कॉमन होती है। अनरियल पे काम होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उस क्या नाम है मिला भी नहीं हो रहा है, उस तरह से लोग इसको यूज नहीं कर रहे जिस तरह से यूनिटी 3D को लोग यूज कर रहे हैं, और इसलिए यूनिटी 3D की ना हेल्प भी ज्यादा अवेलेबल है। और फोकस 2DX को क्यों नहीं हम यूज करते हैं, पहले लोग यूज करते थे लेकिन अब इसे आगे आ चुके हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती है। तो हमारा टॉपिक जो होगा वो यूनिटी 3D होगा और हम यूनिटी के बारे में बात करेंगे, सही है। अब यूनिटी की मैं आपको यूनिटी की बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, जो हम स्क्रिप्ट्स देखते हैं प्रोग्राम करता है प्रोग्रामर एक स्क्रिप्ट होता है वो क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, सीन गेम ऑब्जेक्ट्स और प्रीफैब और बिल्ड एंड में बिल्ड, यानी जब हमारा गेम कंप्लीट हो जाती है तो तब हम उसको क्या पब्लिश करने के लिए पोर्टल पर पब्लिश करने के लिए तो हम बिल्ड निकालते हैं, वो बिल्ड हम अपलोड करते हैं। यूनिटी 3D हमारा साइज है बेसिकली, ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यार पहले मैं यूनिटी पे काम करता था, अब मैंने एक गेम बनानी है या एक एप्लीकेशन बनानी है ना, तो मैं एंड्रॉइड पे सारा कोड करता था, जावा के अंदर मैंने कोड किया है। कोड करने के बाद अब जब मैंने उसकी बिल्ड निकाल लिया वो एंड्रॉइड पे चल रही है, बहुत गुड चल रही है। अब मेरा क्लाइंट या मेरा यूजर जो भी है, मेरा बॉस मुझे कह देता है कि यार मुकेश मुझे इसी तरह की गेम अब iOS के लिए भी चाहिए। जब मेरे पास ये इंजन नहीं था तो मैं क्या करता था, मैं उसको iOS में कन्वर्ट करने के लिए उसी की लैंग्वेज में सारा कन्वर्ट करता था, ठीक। तो उससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था मेरा, ऑब्वियसली पैसे तो मिल जाते थे मुझे सेम काम करने के, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाती थी और एक जैसा काम बार बार करना पड़ रहा, और फिर अब उसको विंडोज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए दोबारा कोड करना पड़ता था। तो इस इंजन को यूज करते हुए हमारे पास क्या फिजिबिलिटी आई, हमारे पास सामने पैदा हो रही कि हम एक ही गेम बनाते हैं, एक दफे कोड करते हैं लेकिन उसकी बिल्ड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी वेब के लिए वेब पे भी आप इसको पब्लिश कर सकते हो, एंड्रॉइड पे करना है एंड्रॉइड पे कर सकते हो, iOS पे करना iOS पे कर सकते हो, विंडोज फोन के लिए करना है विंडोज फोन के लिए बिल्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो यूनिटी जो है हमारे पास एक मल्टी प्लेटफॉर्म है। अब ये यूनिटी की बेसिक्स है, बेसिकली जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना इसकी और भी ज्यादा विंडोज हैं, आप और भी क्या नाम है एडवांस विंडोज है वो भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने 5 खोल के स्क्रीन शॉट लिया था इसका। अब ये जो पहली वाली है इसी विंडो है, ठीक है, और जो दूसरी वाली है हायरार्की, इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि ये होता क्या बेसिकली, ठीक है। सीन विंडो जो होती है ना बेसिकली, इसके अंदर आप जब भी कोई गेम बनाते हैं ना तो गेम के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब मॉडल्स कहते हैं उसको, अगर मैं डिजाइनिंग के टर्म में बोलूँ मॉडल होता है, वो मॉडल इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करके उनपे वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी मोटी चीजें यूनिटी इंजन के बारे में बताया गया कि ये बटन होते हैं ऊपर एक बार होती है, दो बटन होते हैं, इसके थ्रू आप उन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब जिस तरह माउस यूज करते हो किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, उसको करने के बाद आप अपनी मर्जी से इधर उधर ड्रैग करना चाहते हो, यानी आप ये एक रूम है इसका एक आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है, उसको आपने गेम के अंदर आपने इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट मतलब आप अपने गेम के अंदर लेके आए हो,
ठीक है, अब आप उसको अपनी मर्जी से घुमाना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, या उसके अंदर ये चेयर ला के रखना चाहते हो, तो आप इन टूल्स को यूज करके रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कर सकते हो। अब सीन विंडो जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी, ये नंबर वन वाली, ये एक्सप्लेन करने लगूंगा। सीन विंडो क्या होती है? बेसिकली सीन विंडो के अंदर हर वो चीज नजर आ रही होती है जिसको आपने टेंच करना है, मतलब अभी मैंने जैसे एग्जांपल देखिए रूम है, ठीक है, इस रूम का आप मॉडल जो है उस गेम के अंदर लेके आना चाह रहे हो, तो जब आप उसको इंपोर्ट करोगे ना इस मॉडल को, रूम के मॉडल को, तो आपके पास बेसिकली इस सीन के अंदर विजिबल हो रहा होगा, वो छोटी सी चीज नजर आ रही होगी, ठीक है, वो मतलब एक एनवायरमेंट पड़ा हुआ है उस, ये जो मॉडल मैं लेके गया हूँ ना जिसके अंदर गेम बनेगी, ये बेसिकली एक हमारा एनवायरमेंट है गेम के अंदर, ठीक है, तो हर वो चीज जिसको हम जिसके हम गेम बना रहे होते हैं वो हमें विजिबल किसके अंदर होती है, सीन के अंदर होती है, और उसको हम एडिट करना होता है किसके अंदर करते हैं, सीन के अंदर करते हैं, सही है। अब बेसिकली ये छोटा सा मैंने लिखा था कि टिपिकल गेम होती है किस तरह की है, टिपिकल गेम इसी तरह की होती है कि आपने गेम चलाई है, शुरू में कोई वेलकम नोट आ जाता है, उसके बाद एक मेन्यू आ जाता है, ठीक है, प्ले का बटन आ रहा था कि यू वांट प्ले, प्ले करते हो, अगली स्क्रीन आ जाती है, लोडिंग चलती है, दो मिनट वेट हो रही है, वेट हो रहा है, गेम लोड हो गया, ठीक है, लोडिंग के बाद गेम प्ले आ जाता है सामने, तो बेसिकली वो सीन होते हैं, एक सीन से दूसरे सीन में आप स्विच कर रहे होते हो, जब एक सीन से दूसरे सीन में आपने जाना होता है तो सेंटर में जो लोडिंग दिखा रहते हैं वो लोडिंग टाइम कन्वर्जन टाइम होता है एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए, ठीक है, तो ये सारा सीन के बारे में था। गेम विंडो क्या होती है? गेम विंडो ये होती है जो चीजें सीन के अंदर आपने इंपोर्ट की हुई थी ना, ठीक है, वो क्या नाम है, अगर आप प्ले करके देखना चाहते हो तो वो जो सारी प्ले प्लेएबल थिंग्स होगी ना वो गेम विंडो के अंदर आ रही है, सही है। और इसी तरह ये हायरार्की होती है, हायरार्की के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली ये आप लिस्ट देख रहे होंगे लेवल ऑब्जेक्ट सी फ्लोर टेरेन और पेज वगैरह, ये क्या चीजें हैं, ये क्या मुझे तो नहीं समझ आ रही है क्या यार, लेकिन आपको भी देखे तो ऑब्वियसली समझ नहीं आई ये क्या है, उस वक्त तक समझ नहीं आई जब तक आप एक दफा इसको अपनी आंखों से नहीं गुजार लोगे, हाथ से करके नहीं देख लोगे, ठीक है, तो तब के लिए तब तक के लिए आप देंगे ये बिठा के रखें कि जो ऑब्जेक्ट वो जो ये रूम जो था हमने इंपोर्ट किया था सीन के अंदर, ठीक है, रूम का नाम अगर हमने रूम रखा होगा ना तो वो यहाँ पर इस तरह से विजिबल हो रहा होगा, यानी कि जो एक्चुअल में मॉडल होगा, एक जो तस्वीर होगी, इमेज होगी, वो हमें सीन के अंदर नजर आ रही होगी, और वो हमारी गेम में किस तरह दिखेगी वो नीचे गेम विंडो के अंदर नजर आ रही होगी, और उस चीज के जो क्या नाम है रेफरेंसेस होते हैं, और मतलब उसका नाम क्या है, उसके वो पड़ी किस तरह है, वो हमें किस में नजर आती है, हायरार्की में, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? और इसी तरह हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल होता है, ये प्रोजेक्ट पैनल क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर वो सारी चीजें आती है जो चीजें आपकी गेम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जैसे अभी मैं रूम लेके आया, ठीक है, इस रूम के अंदर एक बंदा मैंने वॉक कर, मैं कहता हूँ गेम बनाओ, ठीक है, एक रूम है, वो गेम क्या होगी, एक बंदा आता है यहाँ सेंटर हुआ है, सेंटर होने के बाद उसने डोर खोला रूम के अंदर आ गया, रूम के अंदर आने के बाद वो गेम क्या है, ये इतनी हमें ये चेयर यहाँ से उठानी है, वो कोने तक रख के आनी है, ये चेयर उस कोने तक वो रखाएगा तो क्या होगा, गेम कम्प्लीट, लेवल कम्प्लीट हो गया, ये गेम है, ठीक है, ये गेम है, आपको मैं कहता हूँ ये आपने गेम बनानी है, उसके लिए आपको आपको किस किस चीज़ की जरूरत होगी, आपको एक रूम की जरूरत है, मॉडल्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है, आपको मॉडल चाहिए होंगे मॉडलर से या डिजाइनर से, एक रूम चाहिए आपको, रूम के बाद आपको दूसरा क्या चीज चाहिए, वो बंदा चाहिए जिसको आपने चलाना है, वो मॉडल चाहिए, ठीक है, उस पर्सन का आपको मॉडल चाहिए, सही है, उस मॉडल के ऊपर आप कुछ रखती है एनिमेशन, ऑब्वियसली जब हमें कोई डिजाइनर देता है ना मॉडल, वो टी पोज में होता है, टी पोज होता है मतलब ऐसे करके खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं करता, जो यहाँ पर ऑटो कैड से ताल्लुक रखते होंगे या 3D मैक्स का हाथ वगैरह उन्होंने देखा हो तो उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि बेसिकली मॉडल क्या होता है, जब वो मॉडल की एक्सपोर्ट निकालते हैं तो टी पोज में होता है, तो हम मॉडल से जो मॉडल लेते हैं तो हम उसको कन्वर्ट उसके साथ उसकी एनिमेशन भी देते हैं कि मैंने उस रूम के अंदर वॉक करवानी थी तो मुझे इसकी वॉक की एनिमेशन दे दो, ठीक है, अब वो चेयर उसने वहां से उठानी है उसकी एनिमेशन दे दो और वहां से जाके रखने की एनिमेशन दे दो, यानी तीन तरह की मुझे एनिमेशन चाहिए, वो मैंने उससे एनिमेशन भी ले ली, ठीक है, क्या क्या देखना है, रूम मुझे चाहिए, पर्सन मॉडल चाहिए, ये एनिमेशन जो पर्सन मॉडल के ऊपर लगेगी वो चाहिए, ठीक है, और उसके बाद और मुझे क्या चाहिए, बस यही चीज, ठीक है,
हमें ये तीन चीजें चाहिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रही, ठीक है, मैंने वो इम्पोर्ट की अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने इम्पोर्ट कर दी है, ये सारी ये रूम जो है मुझे किसके अंदर विजिबल होगा, ये मुझे विजिबल होगा सीन व्यू के अंदर, ठीक है, सीन व्यू के अंदर विजिबल होगा जो चीज अभी ये मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने बस इसको अभी प्रोजेक्ट के अंदर इम्पोर्ट किया अपने, तो जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि प्रोजेक्ट पैनल जो होता है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट पैनल जो है इसके अंदर ही सारी चीजें मैंने इम्पोर्ट कर दी है, यानी जो जो चीज मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाली है ना वो सारी किधर आती है, प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आती है, मैं ये आपको बात समझा कर रहा था। अब आपको रूम की जरूरत महसूस हो गया है, गेम के अंदर रूम होना चाहिए, तो आप इस रूम को आप क्या करेंगे, माउस से सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर आपके पास जो टू डी सीन की विंडो है, ठीक है, आपके पास सीन की विंडो है, आप इसको यहाँ से पिक करेंगे और पिक करके ड्रैग ड्रॉप कर देंगे सीन के अंदर, सही है। और इसी तरह अगर आपको पर्सन का मॉडल चाहिए होगा, आप इसको पिक करेंगे, पिक करके इसके अंदर डाल देंगे, सही है। और एनिमेशन चाहिए होगी, इन एनिमेशन को आपने पर्सन को पहले लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये एनिमेशन किसके लिए थी, उस पर्सन के लिए थी जो वहां से वो मैन का मॉडल जो था जिसने चेयर पिक करनी थी और चेयर को उस कॉर्नर में जाके रखना था, तो इस एनिमेशन को पहले हम इस पर्सन पे लगाएंगे। ऑब्वियसली जब हम इसको इस पे अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जब इसको उठा के हम सीन के अंदर डालेंगे तो एनिमेशन 3 इनडायरेक्टली सीन के अंदर आ जाएगी, सही है, ठीक है। इस अब तक किसी को कोई समझ ना आई हो तो सकता है या कोई क्वेश्चन होते हैं, सही है। तो ये सारी जो चीजें थी ना, ये बेसिकली उसके यूनिटी के बेसिक इंटरफेस के बारे में थी कि वो होता क्या, एनिमेशन क्या समझ नहीं आया, क्या एनिमेशन को, हां जी, बनाने पड़ेगी ये कैसे, यार ये बेसिकली मॉडलर हमें देता है, ठीक है, जो डिजाइनर होता है ना, उसकी एनिमेट करके देता है। हमें कौन कौन चाहिए होता है, एक हमें गेम डेवलपर चाहिए होता है जिसे हम प्रोग्रामर कह देते हैं, सही है, एक हमें प्रोग्रामर चाहिए होता है, एक हमें डिजाइनर की जरूरत होती है। अब ये डिजाइनर जो है ना, ये 2D डिजाइनर भी हो सकता है, ठीक है, जो हमें 2D इमेजेस देगा 2D गेम के लिए, और अगर ये इस डिजाइनर में इतनी कैपेसिटी या इतनी वो कह रहे हैं कि वर्सेटिलिटी है तो वो 3D में भी काम कर सके, तो वो ये हमें मॉडलिंग का काम भी देगा, यानी मॉडल्स भी बना के देगा डिफरेंट किस्म के जो हमारी गेम के करेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने एक गाड़ी वाली गेम बनानी है तो उसके लिए मुझे एक पूरा मॉडल चाहिए, ठीक है, वो भी मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, डिजाइनर ही प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर स्किल होंगी 3D की, ठीक है। अगर इसमें 2D वाले में नहीं है तो हमें ऑब्वियसली हमें 3D के लिए अलग से चाहिए होगा, 3D मॉडल चाहिए, ठीक है, अब 3D मॉडल चाहिए होगा। और 3D मॉडलर जो होता है, अमूमन जो होता है इंडस्ट्री में, वो ये होता है कि जो एनिमेटर एनिमेशन होती है ना वो हमें 3D मॉडलर ही प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी 3D मॉडलर इटसेल्फ जो है वो एक एनिमेटर भी होता है। अगर वो ना हो तो जो ज्यादा मतलब फेमस या स्टेबल कंपनीज है वो क्या करती है, एक एनिमेटर अलग से हायर कर लेती है, ठीक है, एनिमेटर हायर कर लेते हैं जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन बना के प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया, ठीक है। तो हमें जो एनिमेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, एनिमेटर प्रोवाइड कर रहा होता है, और मतलब हर चीज हर एक अलग डिपार्टमेंट है, ये सारे चार डिपार्टमेंट है, प्रोग्रामिंग एक डिपार्टमेंट में हो रहा है, डिजाइनिंग 2D डिजाइनिंग इमेजेस आपको एक डिपार्टमेंट से मिल रही है, और 3D मॉडलिंग आपको एक बंदा दे रहा है, एनिमेशन आपको एक बंदा दे रहा है, यानी कि बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें वो क्या नाम है इसके बेसिक इंट्रो के बारे में थी। अब ये इंस्पेक्टर है, ये मैं चीजें अभी आपको गेम रन करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा बेसिक, और ये जो है अब जो मिली है बेसिकली एडवांस किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। मुझे मतलब ये था कि अगर मे भी यहाँ पर किसी ने कभी गेम पे काम किया हो किसी भी, तो उसको मैं इसके बारे में बताऊँ, लेकिन आपको मैं इसके थोड़ा सा फिर भी आइडिया देता हूँ। लेकिन जब भी यूनिटी के अंदर हम गेम बना रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ये लेयर्स के अंदर जो मैंने चीज़ें अलाइन की हैं वो इस तरह की हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें ऑडियो इंजन चाहिए होता है,
ठीक है, ऑडियो क्या मतलब वो साउंड, वो साउंड इफेक्ट और जो हमें गेम के अंदर हो गए। मैंने जैसे कहा कि मुझे एक गेम बनानी है, एक पर्सन के चेयर पिक करेगा और वहां पर रखेगा। अब पर्सन का मैंने कहा था कि वो दरवाजा खोलेगा पहले उस रूम का, अंदर एंटर होगा। अब वो जब दरवाजा खोलता है तो लॉक खोलने की आवाज आती है, ठीक है, वो साउंड इफेक्ट मुझे चाहिए, वो साउंड होगा। चेयर पिक करता है तो एक नॉइस होने से क्रिएट होती है, वो उसका साउंड होना चाहिए। जब वो चल रहा है रूम के अंदर तो एक एम्बिएंट साउंड होता है, वो चाहिए मुझे। जब रखेगा तो वो साउंड होगा। मतलब ये ऑडियो इंजन, हमें प्रॉपर एक ऑडियो इंजन रिक्वायर होता है गेम के लिए। अब पार्टिकल सिस्टम होता है, पार्टिकल सिस्टम इंजन क्या होता है बेसिकली? पार्टिकल सिस्टम ये है कि उसी बंदे की एग्जाम्पल दूंगा, कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं होगा, कि अब वो अंदर रूम के अंदर एंटर हुआ है, रूम में डस्ट बहुत थी, जब उसने अपना पहला पाँव अंदर रखा है, डस्ट की वजह से मुंगन क्या होता है, किसी गंदी जगह हो जाता है, पाँव रखते हैं तो मट्टी उठती है वहां से, ठीक है। तो पार्टिकल बेसिकली इसी यही चीज होती है गेम के अंदर। आप कोई रियल इफेक्ट डालना चाह रहे होते हैं ना, जब तो वो बंदा जो पर्सन उसने ऐसे चेयर को उठाया, नीचे मट्टी थी या चेयर पे मट्टी थी, वो मट्टी जब गिरती है ना उसको मैं पार्टिकल सिस्टम कहूंगा, ठीक है। उस यानी आपने रियलिटी को मैप करना है जब गेम के अंदर, तो आप उस चीज को मैप करने के लिए किसको यूज करते हो? पार्टिकल सिस्टम को, ठीक है। क्या पार्टिकल सिस्टम के बगैर गेम नहीं बनेगी? बन जाती है। ऑडियो सोर्स के बगैर गेम नहीं बनेगी? बन जाती है। लेकिन वो गेम मैंने पहले बोला था कि गेम वही ज्यादा हिट होती है, यूजर उसको ही ज्यादा गेम खेलता है, तो वही ज्यादा गेम खेलना पसंद करता है जिसके अंदर डिटेल हो, जो रियलिटी के करीब हो, ठीक है। और वो क्या पता जो बच्चा गेम खेल रहा है, 3-4 साल का बच्चा गेम खेल रहा है, उसको सिर्फ कुर्सी के रखने की आवाज ही पसंद आ गई, उसी वजह से वो बार बार खेल रहा हो, या उसके ऊपर से जो मट्टी गिरती है वही उसको बार पसंद आ रही हो, वो देख के खुश हो। जो बच्चा है ना, बच्चे का क्या सेंस है, वो सिर्फ ये देख रहे यार मट्टी कितने प्यारे गिर रही है, वो तालियां गाने लगा जाता है, मामा वाओ, पापा वाओ, मट्टी गिर रही है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें जो है ना वो डिपेंड करती है सिनेरियो के हिसाब से। इसी तरह टेरर होता है, टेरर क्या है, जो वो रूम के अंदर एंटर होगा ना, जो फ्लोर होता है उसको हम गेमिंग की टर्म में टेरन कहते हैं, ठीक है। जो फ्लोर होता है उसको हम गेमिंग की टर्म में टेरन कहते हैं। और फिजिक्स होती है, फिजिक्स का इस एग्जांपल के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है एसएच, लेकिन अगर हम फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स इंजन जो होता है गेम के अंदर ज्यादातर उस गेम में यूज हो रहा था। जैसे थोड़ी देर पहले हम बता रहा था उसके बारे में कि आप कोई स्पोर्ट्स गेम बनाना चाहते हो, लाइक फुटबॉल की, सोकर, ठीक है, जो आप सोशल की कोई गेम बना रहे होते हैं, क्रिकेट बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको फिजिक्स लगानी पड़ती है। किस चीज़ की फिजिक्स लगानी है? एक बॉल है जो बाउंस होगी किसी जगह पर जाके, उसकी आपको फिजिक्स बनानी पड़ेगी, उसके अंदर आपको फिजिक्स इंजन यूज करना पड़ता है। इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के अंदर फिजिक्स का कोई अमल दखल नहीं है। फिर आप जीयूआई सिस्टम होता है, जीयूआई सिस्टम क्या होता है? बेसिकली यूजर इंटरफेरेंस सिस्टम, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेरेंस, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, आप गेम ही खेलते हैं, गेम के ऊपर एक बटन आ रहा होता है, गोल सा प्ले, गोल भी होता है, किसी किसी को होता है, गेम पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी गेम है, जो भी बटन उसके ऊपर आ रहे हैं जिनके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम जीयूआई इंटरफेस कहते हैं, ठीक है, यूजर इंटरफेस। और उसके बाद एनिमेशन इंजन होता है। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया कि एनिमेशन आपको लगानी पड़ती है हर मॉडल के ऊपर, ठीक है, जो भी आपने अमल क्या नाम है एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए आपको स्पेसिफिक एनिमेशन लगानी पड़ती है। उसी तरह ये उस चीज को हैंडल करने के लिए हम एनिमेशन इंजन यूज करते हैं। और उसके बाद नेटवर्क एपीआई होती है, मतलब अगर आप मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, और मल्टीप्लेयर गेम्स के अंदर आप इनका नेटवर्क एपीआई यूज करते हैं। शेडर प्रोग्रामिंग छोड़ते हैं अभी, और यूनिटी इंजन कोर क्या होता है वो अभी आपको सारा मैं बताना चाहूंगा। और जो हम इसके अंदर क्या नाम है उसकी कोडिंग पर्सपेक्टिव देखें, तो इसके अंदर हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो दो लैंग्वेज यूज करके करते थे, ज्यादा सी शार्प और जावास्क्रिप्ट। वो जो है वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, पाइथन की एक स्पोर्ट थी, वो नहीं अब यूज करते हैं लोग इसके अंदर, ठीक है। और शेडर और लाइब्रेरीज, ये सारी जो नीचे सेकंड रो के अंदर सेकंड वाला कॉलम है, जो ये बेसिकली शेडर्स लैब्स क्या होती है, सीटी, ये एडवांस किस्म के हैं, ये छोड़ते हैं। इसके बाद ये जो डिजाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से निकल के अगर कोई कभी गेम के बारे में सोचना भी चाहता है ना, तो ये वाली स्लाइड जो है उसके लिए स्पेसिफिक स्लाइड बहुत हेल्प करेगी। बेसिकली क्या चीज है ये, एक मतलब डिजाइन है एक गेम बनाने का, एक जनरल एक डिजाइन बना दिया मैंने कि यार आपने कोई भी गेम बनानी है ना उसके अंदर ये सारे ये स्टेप जो है ना ये होते ही होते हैं लाजमी, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक गेम बनाना चाहते हो, जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक रूम में बंदा है उसने चेयर उठानी है वहां रखनी है, उसके अंदर ये सारी चीजें मैप हो सकती हैं। वो किस तरह होती है, उसने
बंदे ने एंटर होना रूम में, उस रूम में एंटर होने के लिए हम कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे, एक प्रोग्रामर जो होगा वो स्क्रिप्ट लिखेगा, ठीक है, स्क्रिप्ट पहला वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया कि यार स्क्रिप्ट तो आनी आनी है। फिर उसके बाद वो जो बंदा एंटर होता है ना गेम के नाम है, गेम की टर्म में, गेमिंग के टर्म में, एज अ गेम डिजाइनर, गेम डेवलपर, उसको गेम के अंदर हम गेम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, जो पर्सन है ना इटसेल्फ गेम के अंदर, जब उस पर्सन का इस मॉडल को मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया था सीन के अंदर, तो वो अब क्या बन गया था, वो गेम ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, मेरी गेम का वो एक ऑब्जेक्ट है, सही है। तो जो पर्सन, जो भी चीज जिसको भी हम गेम के अंदर डील कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, गेम ऑब्जेक्ट, यानी गेम का एक ऑब्जेक्ट, सही है। दो चीजें कवर होगी। उसके बाद मेरे पास साउंड पे, मैंने आपको बताया ऑडियो मुझे चाहिए चाहिए होता है। उसके बाद स्कोर मैनेजर होता है गेम के अंदर, हर टिपिकल गेम के अंदर स्कोर होता है, यूजुअल अगर आप स्कोर नहीं डालोगे, सिनेरियो पर डिपेंड करता है, आपने सिर्फ पार्किंग वाली कोई गेम बना रहे हो जिसके अंदर आप पैसेंजर पिक करते हो, एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हो, उसके अंदर स्कोर नहीं होगा तो सॉरी, उसके अंदर वो कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे, कुछ ना कोई रिवॉर्ड की सूरत में कोई ना कोई चीज़ होती है। तो जो इसके साथ मैप होती है, लेवल मैनेजर होता है, लेवल मैनेजर क्या है बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से वो चेयर उठाता है, पिक करता है और कोने में जाकर रखेगा तो लेवल कंप्लीट हो गया। रस्ते में वो कहीं कुछ उसके हाथ से, यानी कि मैं एक कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ, कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन लगा देता हूँ कि एक जो यूजर होगा ना वो चेयर बड़े आराम से ऐसे उठाएगा, तीन बटन मैंने उसको दिए हैं, एक है रुकने का, ठीक है, एक है चलने का और एक है भागने का, सही है, वॉक रन और आइडल खड़े होने का। उसने उठाइए चेयर, उठाने के बाद यूजर बटन प्रेस कर रहा है वो वाला वॉक वाला, मैं कहता हूँ अगर ये वॉक करके रख के आएगा ना तो ठीक है, लेकिन ये अगर भागता है ना, भागते हुए चीज गिर जाती है, सही है, और अगर ये भागता है, भागते भागते वो चीज रखने की कोशिश करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, लेवल फेल कर दूंगा। अगर वो चीज उसके हाथ में जो भी चेयर है कुछ भी है ना उसके हाथ में वो गिर गया तो मैं लेवल फेल कर दूंगा। तो वो सारी चीजें जो हैंडल होती है लेवल, लेवल से रिलेटेड वो लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। और बाकी बैकएंड मैनेजर ये क्या नाम है, प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बैकएंड मैनेजर ये होता है मतलब आप थर्ड पर्सन एपीआई यूज कर रहे हैं, मतलब एड्स वगैरह यूज कर रहे हैं या आप नेटवर्किंग से रिलेटेड थिंग यूज कर रहे हैं, तो आप सारी कुछ इसके अंदर वो मैप कर लेते थे। और इसी तरह आप ये प्लेयर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि गेम ऑब्जेक्ट होता है, मैंने जिस भी चीज को एक दफा सीन के अंदर अपनी गेम के अंदर एड कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया, तो वो चीज जो है मेरी अब से गेम ऑब्जेक्ट कहलाएगी। उसी तरह मेरी स्पेसिफिक गेम के अंदर प्लेयर था, एनिमी था, वेपन थे और क्या नाम है, जीयूआई थे, मॉड्यूल थे, ये सारे क्या है मेरे पास, गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो होपफुली इससे आपको एक आइडिया जरूर हो गया होगा कि एक गेम जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, समझ भी आ रही कि नहीं? अगर नहीं भी आ रही तो चलो बात कर रहे अच्छा अच्छा, ये हमारे पास स्क्रिप्ट होती हैं सी शार्प और उसके लिए, आपने पहले अपनी सिंगल फिंगर से ना, उसके बाद जैसे मैं टू बोलूंगा तो आपने डबल फिंगर से करना, देन 3 4 देन विद योर पॉम, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3
बटन पड़ा है लेया लग रही है हमारे पास आप चार लोग